बात राजकुमार सैनी की जो अब ललकार रहे हैं। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी के हमले अपनी ही पार्टी और विपक्षियों पर लगातार तेज हो रहे हैं। यमुनानगर में सैनी ने जहां अपनी पार्टी को अपनी पार्टी से निकालने की चुनौती दी, वहीं हुड्डा और चौटाला परिवार पर भी जमकर निशाना साधा। अपनी अलग पार्टी बनाकर हरियाणा में चुनाव लड़ने की बात कहने वाले कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी के अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल लगातार कड़वे होते जा रहे हैं। सैनी न सिर्फ पार्टी की कार्यशैली और नीतियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, बल्कि पार्टी से भी अलग होने के साफ साफ शब्दों में धमकी दे रहे हैं। यमुनानगर पहुंचे सैनी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा। अखबार में लिखा हुआ था कि पार्टी से निकालने वाली है। मैं कहा कौन प्रार्थना कर रहा है कि रखे, कल निकाल दे, आज निकालो। ये निकालने का गम उसे होगा जिसे रोटियां सेकनी हो। राजकुमार सैनी ने किसानों की मौजूदा दशा के लिए भी पूर्व की चौटाला सरकार को जिम्मेदार बताया। सैनी ने कहा कि इनेलो परिवार की कारगुजारियां प्रदेश आज भी भुगत रहा है। ये लोंगोवाल समझौते का आज पानी का डंडोरा पीट रहा ओम प्रकाश चौटाला का परिवार। लोंगोवाल समझौते का विरोध किसने करा था बताओ ना दोस्तों। देवीलाल परिवार ने इसका विरोध किया था, आज तक भटक रहा है हरियाणा, कसियां उठा करके नहरें खोदने जाता है। राजकुमार सैनी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। सैनी ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं। आज भी भूपिंदर सिंह हुड्डा जैसे चापलूस आज भी तलवे चढ़ रहे हैं। क्या सोनिया गांधी इस देश की समस्याओं से अवगत है भाई? क्या उसका परिवार इस देश की किसान की मजदूर की महिला की समस्याओं का जानता है? मैं ये पूछ रहा हूं, क्या जानता है? जब जानता नहीं उसके तड़वे चट्टू लोगों को क्या हर्ष होना चाहिए? ये तुम्हें पता होना चाहिए, इस युवा शक्ति को पता होना चाहिए। सैनी यही नहीं रुके, सैनी ने अपने ही अंदाज में प्रदेश की कानून व्यवस्था की तुलना मच्छरदानी से कर डाली। ये अगर व्यवस्था चल पड़ी कानून का क्या होगा? थप्पड़ मारने वाला, छेड़खानी करने वाला, गाली देने वाला तो कहेगा मेरा तो कसूर ही नहीं बैठता। जब मर्डर करने वालों को छोड़ा जा सकता है तो मेरा किस बात का कसूर है? ये कानून मच्छरदानी होगी। मच्छरदानी में मच्छर तो फंस जाएंगे, जोटा तो नहीं फंस सकता, वो तो तोड़ फोड़ करके सड़ा डंडा दे उसने खींच के ले जाएगा। सैनी अपने इरादे अब पूरी तरह से साफ कर चुके हैं। उधर पार्टी भी सैनी को नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन अभी तक पार्टी हाईकमान की ओर से सैनी के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में बीजेपी के अंदर ही शुरू हुई ये सियासी लड़ाई कहां थमेगी, इस पर तमाम सियासी निगाहें टिकी हुई हैं। टोटल न्यूज के लिए यमुनानगर से रजनी सोनी की रिपोर्ट।